कभी बैंक में करता था क्लर्क की नौकरी, फिर बना सबसे बड़ा स्पिन गेंदबाज। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बाएं हाथ के सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज। श्रीलंका के लिए 400 टेस्ट विकेट लेने वाला दूसरा गेंदबाज। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हर देश के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेने वाला तीसरा गेंदबाज। दोस्तों, दुनिया प्रतिभाओं से भरी पड़ी है, बस उन्हें तराशने की जरूरत है और उसे चाक पर चढ़ाने की जरूरत है, तब जाकर वे एक बेहतर आकार प्राप्त कर पाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी से मुलाकात करवाने वाले हैं जो किसी और दुनिया में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन जब उसे अपने हुनर के बारे में पता चला तो चल निकला अपनी लाइन पकड़कर अपनी दुनिया की ओर। इस खिलाड़ी के बारे में देश दुनिया में सबसे कम बात की जाती है। इस खिलाड़ी के नाम कई विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। जब आप भी इस खिलाड़ी के नाम जानेंगे तो कहेंगे कि इससे पहले तो इसका नाम ही नहीं सुने। कहते हैं ना कि बड़े बरगद के नीचे छोटे पेड़ बड़े नहीं हो पाते, ठीक उसी तरह से इस खिलाड़ी के कीर्तिमान को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई। देश दुनिया में इस खिलाड़ी को एक नाम नहीं मिल पाया, लेकिन जहां रहा वहां अपनी मस्ती में अपना काम करता रहा। इस खिलाड़ी के नाम बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। सचिन तेंदुलकर भी इस खिलाड़ी को सलाम करते हैं। सचिन ट्वीट कर इस खिलाड़ी के प्रदर्शन की सराहना की थी। इतना ही नहीं, इस खिलाड़ी के नाम किसी भी मैदान में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए। इनसे पहले मुथैया मुरलीधरन और जेम्स एंडरसन ने यह कारनामा किया था। यह खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर अपने देश के नेशनल टीम का हिस्सा बना था। यह खिलाड़ी कहीं बैंक की नौकरी कर रहा था, जब मैदान में लौट कर आया तो विकेटों की झड़ी लगा दी। इस खिलाड़ी का नाम है रंगना हैरात। रंगना हैरात का जन्म 19 मार्च 1978 को कुरुनगेला के वाडुवावा के छोटे से गाँव में हुआ था। उनके बड़े भाई दीप्ति हैरात हैं। स्कूल के समय में वो उन्हें सलामी बल्लेबाजी करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। हालांकि उन्होंने अपने आप को एक तेज गेंदबाज के रूप में शुरुआत किया था। उनका कद छोटा था, इसीलिए उन्हें बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से मना कर दिया गया था। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्यान स्पिन गेंदबाजी की तरफ रखा। हैरात ने अपने सबसे पहले क्रिकेट करियर की शुरुआत स्कूल स्तर से की थी। उन्होंने सबसे पहले मयूरपाड़ा सेंट्रल कॉलेज नरमाला से की, उसके बाद मलियादेवा कॉलेज कुरुनगेला चले गए। साल 1996-97 के सीजन में कुरुनगेला यूथ क्रिकेट क्लब के लिए उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला था। श्रीलंका में प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत उन्होंने तमिल यूनियन क्रिकेट और एथलेटिक क्लब की ओर से किया था। हैरात को साल 1999 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि उनका वनडे डेब्यू 5 साल के बाद साल 2004 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ। साल 1999 से 2016 के बीच में हैरात को महज 13 टेस्ट मुकाबले खेलने का ही मौका मिला। इसका एकमात्र कारण था मुथैया मुरलीधरन का टीम में होना। जब तक वे श्रीलंका टीम का हिस्सा रहे, तब तक रंगना हैरात को खेलने का मौका नहीं मिला। हैरात ने साल 2009 में दोबारा टेस्ट क्रिकेट में वापसी की और मुरलीधरन से स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली। श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने ने मुरलीधरन के संन्यास के बाद हैरात को नंबर एक गेंदबाज बताया था। साल 2010 में हैरात को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बार फिर से टीम के साथ जोड़ा गया। इस बार उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट अपने नाम किए थे, तो वहीं दिसंबर 2011 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 9 विकेट अपने नाम दर्ज किए और मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत लिया। यह मुकाबला श्रीलंका की टीम जीतने में कामयाब रही और दक्षिण अफ्रीका में उनकी पहली जीत थी। साल 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हैरात को 12 विकेट हाथ लगा था। इस मुकाबले में भी मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्होंने अपने नाम दर्ज किया। इंग्लिश बल्लेबाज इस गेंदबाज को समझ ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद आया साल 2014 का T20 विश्व कप। विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैरात ने 3 रन खर्च कर 5 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई थी। फाइनल में श्रीलंका की टीम ने भारत को हराया था। फाइनल मुकाबले में भी हैरात को 1 विकेट मिला था। उनके इस प्रदर्शन के लिए साल 2019 में उन्हें विजडन पुरुष T20 अवार्ड से नामित किया गया था। इसी दौरान पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 127 रन खर्च कर 9 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। इन दोनों टेस्ट मैचों के मैन ऑफ द मैच और बाद में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। साल 2015 में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में उन्होंने 48 रन खर्च कर 7 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। यह उनके करियर का 22वां 5 विकेट हॉल था। इसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 10 विकेट अपने नाम दर्ज किया। यह उनका 5वां 10 विकेट हॉल था और वो मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम करने में कामयाब हो गए। दूसरे मैच में उनका जलवा देखने को मिला। यहाँ भी उन्होंने विकेटों की झड़ी लगा दी और श्रीलंका सीरीज जीत गया। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया।
साल 2016 में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में उन्होंने अपना 300वां विकेट पूरा किया। मुरलीधरन और चमिंडा वास के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले श्रीलंका के वो तीसरे गेंदबाज बन गए थे। एंजेलो मैथ्यूज और दिनेश चंडीमल के चोटिल होने के बाद हैरात को श्रीलंकाई टीम की कमान दी गई। 29 सितंबर 2016 को जिम्बाब्वे दौरे में उन्हें कप्तान बनाया गया। उन्होंने एक टेस्ट मैच का नेतृत्व किया। वे दूसरे सबसे उम्रदराज कप्तान बने थे। इससे पहले रोमचंद्र डिसिल्वा सबसे उम्रदराज कप्तान थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ हैरात ने फिर से 5 विकेट हॉल किया और यह उनका 27वां कारनामा था। दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने 13 विकेट अपने नाम दर्ज किए और इस तरह से उन्होंने अपना 350वां विकेट पूरा किया। मुरलीधरन और डेल स्टेन के बाद सभी टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेने वाले वे तीसरे गेंदबाज बन गए थे। इधर चोट से एंजेलो मैथ्यूज उबर नहीं पाए थे। ऐसे में श्रीलंका में बांग्लादेश की टीम दौरा कर रही थी जिसमें हैरात को टेस्ट टीम की कमान दी गई। इसी सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में उन्होंने बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज डैनियल विटोरी के 362 विकेट को पीछे छोड़ दिया। साल 2017 में भारत की टीम श्रीलंका का दौरा कर रही थी जिसमें हैरात को स्टैंड इन कप्तान बनाया गया था। हालांकि इस दौरान श्रीलंका के 2 खिलाड़ी चोटिल हो गए जिसमें एक नाम हैरात का भी था जिसके कारण श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट मुकाबले में हैरात को 4 विकेट हाथ लगा। तीसरे टेस्ट में उन्हें पीठ में अकड़न की शिकायत हुई जिसके बाद तीसरे टेस्ट में आराम दिया गया और भारत यह सीरीज 3-0 से जीत गया। इसी साल सितंबर महीने में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर का 9वां 10 विकेट हॉल लिया। इसी सीरीज में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना 100 विकेट भी पूरा किया और इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वे पहले गेंदबाज बन गए। इसी सीरीज के दौरान उन्होंने अपना 400 टेस्ट विकेट भी पूरा कर लिया। इस मुकाबले के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद श्रीलंका की टीम 3 टेस्ट मैचों के लिए भारत का दौरा कर रही थी जिसमें पहला मुकाबला कोलकाता में हुआ जिसमें उन्हें 1 भी विकेट नहीं मिल पाया था। हालांकि यह मुकाबला ड्रॉ हो गया था। दूसरे मुकाबले में टीम को पारी से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में उनके हिस्से बस 1 ही विकेट आया। वहीं तीसरा टेस्ट भी ड्रॉ रहा और भारत यह सीरीज जीतने में कामयाब हो गया। इसके बाद बांग्लादेश गई श्रीलंका की टीम जहां हैरात को पहली पारी में 3 विकेट हाथ लगे तो वहीं दूसरी पारी में 2 विकेट। उसके बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में उन्होंने बाएं हाथ के सबसे सफल गेंदबाजों में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवा लिया। इससे पहले यहां पर वसीम अकरम का नाम था। हैरात के नाम 415 विकेट दर्ज हो गया था। तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने 12 ओवर में 31 रन खर्च कर 4 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया और इस तरह से टेस्ट मैच की चौथी पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड शेन वार्न के नाम है। दूसरे नंबर पर श्रीलंका के 2-2 खिलाड़ियों का नाम हो गया, पहला मुरलीधरन और दूसरा रंगना हैरात। 2018-19 के सीजन में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मुकाबले खेलने थे लेकिन फील्डिंग के दौरान उनके हाथ में चोट आ जाने से वे डे नाइट मुकाबला नहीं खेल सके। इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए दूसरी पारी में उन्होंने अपना 34वां अर्धशतक लगाया। श्रीलंका यह मैच और सीरीज दोनों जीतने में कामयाब रही। उनका यह अर्धशतक चौथी पारी में आया था जो कि 12वां अर्धशतक था। यह किसी भी गेंदबाज के द्वारा बनाया गया सबसे अग्रणी अर्धशतक है। जुलाई 2018 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के संकेत दिए थे और 22 अक्टूबर को गाले में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले के पहले टेस्ट मैच के बाद संन्यास ले लेंगे। उन्होंने 6 नवंबर 2018 को संन्यास की घोषणा कर दी। अपने आखिरी मुकाबले में हैरात ने जो रूट को अपना 100वां शिकार बनाया था। इसके बाद नवंबर 2020 में हैरात को ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हैरात के करियर में सबसे बेहतरीन बॉलिंग थी पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने 137 रन खर्च कर 9 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया था। T20 मुकाबले में इन्होंने 3 रन खर्च कर 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कोचिंग करना शुरू कर दिया और जून 2021 में हैरात को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्पिन गेंदबाजी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। वे साल 2019 तक इस पद पर बने रहे। आइए एक नज़र डालते हैं हैरात की उपलब्धियों के बारे में। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बाएं हाथ के गेंदबाज द्वारा सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड। श्रीलंका के लिए 400 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज डेल स्टेन और मुरलीधरन के बाद टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेने वाले तीसरे गेंदबाज, 1000 प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले दूसरे श्रीलंकाई गेंदबाज। तो ये थी रंगना हैरात की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको रंगना हैरात का क्रिकेट करियर कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।